ओके हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 ट्राइंगल्स का सेकेंड एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल, मतलब ये आइसोसेलस ट्राइंगल है ए बी सी, मतलब और दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल है। The bisectors of angle B and angle C, ये जो है ना ये लाइन, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये क्या है bisectors of, मतलब ये लाइन B को, एंगल B को bisect कर रहा है, ये लाइन एंगल C को bisect कर रहा है। ओके, दैट मीन्स अगर ये 50 है ये 50, अगर ये 50 है ये भी 50 है, ओके लाइक दैट। इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ओ में इंटरसेक्ट हो रहा है। और बोला है जॉइन ए टू ओ, और ये भी हमें जॉइन करने बोला है। ओके, जॉइन करने बोला है। शो दैट, अभी दो चीज़ हमें शो करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। यस, मतलब ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये दोनों लाइन इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है नंबर वन। तो नंबर वन कर लेते हैं, देन विल कम टू नंबर टू। तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी है, अभी ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल है ऑपोजिट एंगल, इस ये भी, ये दोनों इक्वल है, इसका ऑपोजिट एंगल ये है, इसका ऑपोजिट एंगल ये है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल, ये इक्वल, इसका ऑपोजिट एंगल ये, इसका ऑपोजिट एंगल ये, मतलब ये दोनों भी इक्वल। ठीक है, सो पहले हम लोग लिखेंगे इन इन ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, मतलब इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है, इसका ऑपोजिट एंगल ये, इसका ऑपोजिट एंगल ये दोनों भी इक्वल है, हम लोग बोल सकते हैं, तो वही चीज़ लिखेंगे। हेंस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी। ओके, क्यों है, मैंने बोला है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अभी जो मैंने बोला है। ओके, ये चीज़ लिखोगे रीजन में। तो देखो ये दोनों इक्वल है, मतलब इसका हाफ भी इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब इसका हाफ भी इक्वल है एक दूसरे के साथ, ये हाफ इक्वल टू ये हाफ, इजंट इट। तो हाफ ऑफ इस, इन दोनों को पहले हाफ ऑफ लगा दोगे, तो हाफ ऑफ एंगल ए सी बी क्या होता है, ए सी बी का हाफ एंगल कौन सा है, ए, ये एंगल हम लोग बोल सकते हैं, ये हाफ एंगल ए सी ओ, लिखो ए सी ओ, और हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी का हाफ, ये हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ए बी ओ, राइट ए बी ओ। ओके, सिंस ओ बी एंड ओ सी, ये दोनों तो बाइसेक कर रहा है ना, मतलब ये इक्वल में, मैंने पहले ही बोला था ये बाइसेक कर रहा है एंगल को, मतलब ये इक्वल टू ये एंगल, ये इक्वल टू ये एंगल। ओके, तो इतना तो हो गया है। अभी हम लोग लेंगे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ एंड ए सी ओ, इन दोनों ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, ये दोनों तो इक्वल है दिया हुआ है, गिवन, ये लिख दो। तीन रीज़न चाहिए हमें, थ्री रीज़न, एक रीज़न हो गया है, और एक रीज़न ये हमने निकाला, एक रीज़न ये दोगे, एक रीज़न प्रूफ्ड अबव लिखोगे, पहले ही हमने प्रूफ किया है इसमें। और एक रीज़न क्या है, ए ओ, ये लाइन तो दोनों ट्राइंगल के लिए है, ये कॉमन लाइन, तो कॉमन लिखोगे। तीन रीज़न मिल गया है, तो दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो क्या रूल से कॉन्ग्रुएंट है, देखो साइड एंगल
साइड, देखो साइड एंगल साइड, यही तो लिया था ना हमने, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. ओके, सो बाय SAS रूल इट इज़ कॉन्ग्रुएंट. तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इसके साइड एंगल सारे इक्वल होते हैं दोनों से, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि OB इक्वल टू OC बाई सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. मैंने एक्सरसाइज 7.1 में ये चीज़ समझाया था. तो बाई सीपीसीटी ये दोनों इक्वल है. ओके, अभी क्या प्रूव करना है, ए ओ बाइसेक्स एंगल ए. ए ओ जो ये लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है, ये प्रूव करना है. तो देखो हमने तो ये दोनों जो ट्राइंगल है हमने तो ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो इट इज़ कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड अबव, राइट. तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि एंगल बी ए ओ, मतलब तो हम लोग इजीली क्या बोल सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है बिकॉज दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल. ओके, तो यही हम लोग की मैं सिपिसिटी, मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो सारे, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल. ओके, सिपिसिटी हो मतलब कॉन्ग्रुएंट होने से सारा साइड एंगल सारे इक्वल होते हैं. तो इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि ये और ये इक्वल है, ये दोनों एंगल बाई सिपिसिटी. तो अगर इक्वल है इसका मतलब ओ ए जो लाइन है बाइसेक्ट एंगल ए, हैंस प्रूव्ड, हैंस ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ये लिख दोगे. नंबर वन इज कंप्लीट. नाउ कम टू नंबर टू. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ओके ये सी है, ए बी सी ट्राइंगल में ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी. ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब ए डी जो है बी सी को डिवाइड कर रहा है. ए डी जो लाइन है वो बी सी को डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है. ओके, ये पूरा बी सी अगर 10 है, मतलब ये आधा पार्ट 5, ये 5, लाइक दैट. अभी देखो, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल. अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है. ओके, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे और ट्राई करेंगे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए. यस, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ट्राई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ये ट्राइंगल लेंगे और ए सी डी ट्राइंगल लेंगे. पहले ए बी डी ट्राइंगल लेंगे और ए सी डी ट्राइंगल लेंगे, दोनों ट्राइंगल में. तो अभी देखो, ये तो इक्वली डिवाइड करता है, मतलब बी डी इक्वल टू ये जो लाइन इक्वली डिवाइड कर रहा है बी सी को, मतलब ये इक्वल टू ये, बी डी इक्वल टू डी सी, ये एक रीज़न हो गया बिकॉज ए डी बाइसेक्स बी सी, ये हो गया. और एक देखो, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, तो ये क्या होता है, ये कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है. तो ये एक ले सकते हैं, मतलब ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी 90 डिग्री, ए बी डी ए डी सी, ये एक रीज़न हो गया. और एक रीज़न, ये लाइन ले लेंगे ए डी, क्योंकि ये लाइन दोनों ही ट्राइंगल के लिए है, कॉमन लाइन, कॉमन ए डी इक्वल टू ए डी. तो तीन रीज़न मिल गया है, मतलब ये दो ट्राइंगल जो है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट. फिनिश. कैसे अभी ये हमने लिया था राइट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई SAS प्रॉपर्टी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट. फिनिश्ड.
तो कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी बाई सिंपलिसिटी। कॉन्ग्रुएंट जब हम लोग प्रूव कर लिया है, मतलब सारा साइड, दोनों का साइड एंगल सारा इक्वल है, तो इजीली हम लोग बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी बाई सिंपलिसिटी, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, मतलब अगर जब ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है, तो दो साइड इक्वल है, फिनिश्ड। ओके, नंबर, नाउ विल डू नंबर थ्री। यस स्टूडेंट्स, अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ओके, मतलब आइसोसेलस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, राइट। अभी देखो, इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ ये दोनों ऑल्टीट्यूड है, हाइट, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। अच्छा, बी ई को ए सी में ड्रॉ किया है, सी एफ को ए बी में ड्रॉ किया है, और क्या बोला है, इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, मतलब ए सी इक्वल टू ए बी, मतलब ए सी और ये दोनों ए बी, ये दोनों लाइन इक्वल है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें क्या प्रूफ करना है, बी ई इक्वल टू सी ई, ऑल्टीट्यूड्स जो है ये इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे ए बी ई, ये ट्राइंगल को लेंगे और ये ट्राइंगल को लेंगे, ए सी एफ ये दोनों ट्राइंगल, ए बी ई ट्राइंगल, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ओके, और ए एफ सी कुछ भी बोल सकते हो, ए बी ई, ए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी ई, ए बी ई ए सी एफ। ओके, ए सी एफ ए बी ई ये दोनों ट्राइंगल, ध्यान से देखना। ओके, तो अभी देखो, इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों तो ऑल्टीट्यूड बोला है, राइट, बी ए एन सी, तो ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, यू नो ये साइड ये 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री, ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी, दोनों क्या है 90 डिग्री। ओके, ये एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है 90 डिग्री, गॉन। अभी देखो, ये जो ट्राइंगल, ये जो एंगल है ए, दोनों ही दोनों ट्राइंगल के लिए ये एंगल है, इजंट इट, तो ये कॉमन एंगल है, ये ट्राइंगल के लिए भी ए है, ये ट्राइंगल के लिए भी ए है, तो दिस इज़ द कॉमन एंगल, तो लिख दो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, और ए बी इक्वल टू ए सी तो दिया ही हुआ था, ये लिख दो गिवन। ओके, ए सी इक्वल टू ए बी, दोनों यहाँ पे ए बी लिखो, यहाँ पे ए सी लिखो, एक ही चीज़ है, तो ये भी दिया हुआ है, ये गिवन, तो तीन हमें पॉइंट्स मिल गया है, 1 2 3, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ए बी ई एंड ए सी एफ दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, बाय कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये देखो, एंगल एंगल साइड, हमने तो यही तीन चीज़ लिया था ना प्रूफ करने के लिए, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, मतलब एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो ए ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है, और बी ई और सी एफ इक्वल हमें प्रूफ करना था, ऑल्टीट्यूड ये हमें प्रूफ करना था, ये दोनों इक्वल है, तो इजीली हम लोग बोल सकते हैं बी ई इक्वल टू सी एफ, सिंपलिसिटी, फिनिश्ड। ओके, सी नंबर थ्री इज़ कम्प्लीट।
ओके स्टूडेंट्स, अभी करेंगे क्वेश्चन फोर. क्वेश्चन फोर इज सिमिलर टू क्वेश्चन थ्री. ओके देखो, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल. ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल. ओके, इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ. बी ई एंड सी एफ. ओके, टू साइड्स बी ई सी ए सी में ड्रॉ किया. बी ई ए सी में ड्रॉ किया गया है. सी एफ ए बी में है. और बोला है देखो, ए बी एंड ए सी आर इक्वल. मतलब ए सी इक्वल टू ए बी. ओके, ये चीज़ ए बी इक्वल टू ए सी बोला गया है. शो दैट ये ए बी ई, ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है. लास्ट नंबर थ्री सम के तरह ही है. मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल. मतलब ए बी ई ए सी एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो चलो करते हैं. इन दिस टू ट्राइंगल्स, तीन रीज़न हमें निकालना है. ये तो ऑल्टीट्यूड्स है, मतलब दोनों साइड क्या है, 90 डिग्री है. तो ये पहले लिखेंगे एंगल ए ई बी 90 डिग्री, ए एफ सी 90 डिग्री, दोनों इक्वल 90 डिग्री. ये जो एंगल है, ये दोनों ट्राइंगल के लिए है. दोनों ट्राइंगल के लिए ये एंगल है, तो ये कॉमन एंगल हो गया. एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल. ओके, ओके, यहाँ पे करेक्शन करना है. देखो, यहाँ पे बोला गया है altitudes B E and C F to sides A C and A B are equal. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे बोला गया है देखो, ये चीज़, ये करेक्शन हम लोग करेंगे. ये चीज़ नहीं बोला गया है. बोला गया है B E and C F are equal. altitudes B E and C F to sides A B and A C and A B are equal. मतलब ये दोनों इक्वल बोला गया है. ये दोनों इक्वल. ओके, बी ई इक्वल टू सी एफ बोला गया है एवरीबॉडी. तो ये एक रीज़न मिल गया, लिख लो. मतलब तीन रीज़न कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया. तीन रीज़न होने से वी कैन से दैट ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. कैसे कॉन्ग्रुएंट है देखो, एंगल एंगल साइड, ये साइड राइट, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड्स रूल से कॉन्ग्रुएंट है. फिनिश्ड, ये वन नंबर वन हो गया. अभी नंबर टू देखो. नंबर टू में क्या करेंगे, ये दोनों, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हमने प्रूफ कर लिया है. इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी. हम लोग इसी, ये ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है ना. तो इजीली बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सिंपलिसिटी. congruent parts of congruent triangle. Okay, hence AB equal to AC proof हो गया है. मतलब ये जो triangle है congruent है, क्योंकि दो side equal है, ये एक, ये एक. So it is an isosceles triangle. Finished. So number 4 we have done, 1, 2, 3, 4 we have done. और बाकी के चार सम जो 5, 6, 7, 8 मैं दूसरे वीडियो में दूंगी. Okay, that's it for today.